नमस्ते दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे आरोह का गद्य खंड का पहला पाठ जिसका नाम है भक्तिन और इसकी रचयिता है महादेवी वर्मा। फ्रेंड्स, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जब इस पाठ को पढ़ेंगे तो इसमें हम भक्तिन जो है उस कैरेक्टर के बारे में पूरा पढ़ेंगे कि उनकी जीवनी में क्या क्या हुआ और महादेवी वर्मा के जो लिखा है इन्होंने इनके बारे में, ये इसलिए लिखा क्योंकि ये इनकी सेविका रह चुकी हैं और इनकी जीवनी पे ही उन्होंने ये सारी चीज़ें पूरी लिखी हुई हैं भक्तिन चैप्टर। तो देखते हैं कैसे क्या था। तो पहले फ्रेंड देखते हैं कि महादेवी वर्मा ने ये कहाँ से लिखा लिया गया है। भक्तिन महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संस्मारात्मक रेखाचित्र है जो स्मृति की रेखाएं नामक पुस्तक में संकलित है। लेखिका ने अपनी सेविका के अतीत और वर्तमान का परिचय देते उसके व्यक्तित्व का मनोहर चित्रण किया है। तो फ्रेंड्स, ये जो है स्मृति की रेखाएं नामक पुस्तक से संकलित की गई है और लेखिका ने इसने अपनी सेविका के बारे में, उनके अतीत के बारे में, उनके वर्तमान के बारे में बताया कि उनका व्यक्तित्व कैसा था, वो कैसी महिला थी, सब कुछ इसमें बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो उसी के ऊपर ये पूरा पाठ है हमारा। तो चलिए इस पाठ का हम सार देखते हैं। भक्तिन का स्वरूप वर्णन। दोस्तों देखिए, ये पूरा पाठ जो हमारा है वो भक्तिन के ऊपर ही है। तो हमारा जो CBSE है कभी कभी पूछ लेता है, इम्पॉर्टेंट है कि भक्तिन का स्वरूप वर्णन कीजिए अपने शब्दों में, या तो फिर कहता है कभी कभी 150 शब्दों में लिख के कैसी थी, क्या था। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा और इसको जब मैं बताऊँगी तो ध्यान से सुनिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, ये जो है ये NCERT बेस्ड ही है, इसका मैंने सिर्फ आपको सार बता दिया है, मैं आपको NCERT से नहीं बताऊँगी क्योंकि NCERT बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। लेकिन हाँ, चीज़ें वही हैं, आपको उतनी ही चीज़ें मिलेंगी कि कैसे कैसे क्या हुआ था, लेकिन आसान शब्दों में मिलेंगी, तो ध्यान से सुनिएगा। भक्तिन छोटे कद तथा दुबले शरीर वाली स्त्री थी। उसके अधर पतले थे, आंखें छोटी थी, वह गले में कंठी माला पहनती थी। उसका नाम लक्ष्मी था या लक्ष्मीन था, किंतु उसने अपनी स्वामिनी से प्रार्थना की थी कि उसके नाम कुल का प्रयोग ना किया जाए। अतः उसकी कंठी माला को देखकर लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख लिया। वह अहिर में पैदा हुई थी, सेवा धर्म में हनुमान जी की स्पर्धा करती थी। तो फ्रेंड देखिए, मैं आपको पूरा अच्छे से बताती हूँ। जो भक्तिन थी उसका जो कद था वो छोटा था, उनकी शरीर बहुत ही पतली थी और उनके जो होंठ थे, फ्रेंड यहाँ अधर का मतलब होता है होंठ, उनके होंठ बहुत ही पतले थे, उनकी आँखें भी छोटी थी और वो अपने गले में कंठी माला पहनती थी। उसका असली नाम लक्ष्मी था या लक्ष्मी था, फ्रेंड यहाँ अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया होता है, बट आप NCERT लीजिएगा तो हमें लक्ष्मी लिखा हो तो लक्ष्मी था। किंतु उसके अपनी स्वामिनी से प्रार्थना की थी कि उसका नाम कुल का प्रयोग ना किया जाए, लेकिन उन्होंने क्या किया था, अपनी स्वामिनी जो महादेवी वर्मा थी उनसे कहा था कि उनका असली नाम ना लिया जाए, क्योंकि उनको लगता था कि जो उनका असली नाम लक्ष्मी है वो उनके जो उनका स्वभाव था, उनका जो था, उसे बिल्कुल भी मेल नहीं खाता था। इसलिए उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि उनको कोई असली नाम से बुलाए। तो क्या हुआ, महादेवी वर्मा ने उनके पहनावे को देखे कि वो कंठी माला पहनती हैं, वो एकदम सिंपल रहती हैं, कैसी रहती है, तो वो सब कुछ देखे उन्होंने उसका नाम भक्तिन रख दिया था। और जो भक्तिन थे वो अहिर मतलब अहिर में पैदा हुई थी और जो उनका सेवा जन था वो हनुमान जी की पूजा करती थी। तो फ्रेंड इसके आगे मैं आपको जो भक्तिन है उनकी मतलब उनकी जो जीवनी है उनको तीन परिच्छेदों में बताऊँगी कैसे कैसे हुआ था। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि वो भक्तिन जो है वो महादेवी वर्मा से कैसे मिली थी और फिर उनके साथ कैसे कैसे उनके जीवन व्यतीत हुआ है या क्या हुआ है। तो पहला परिच्छेद हम देखेंगे, भक्तिन के जीवन का पहला परिच्छेद। देखिए फ्रेंड्स, ऐतिहासिक झूसी गांव में एक अहिर की इकलौती बेटी लक्ष्मी, जिसको हमने भक्तिन कहा है, का लालन पालन उसकी सौतेली माँ ने किया था। 5 वर्ष की उम्र में ही इस कन्या का विवाह हड़िया ग्राम में एक गोपालक के छोटे पुत्र के साथ हो गया था। 9 वर्ष की उम्र में गौना हो गया। भक्तिन की माता ने उसके पिता की मृत्यु का समाचार देर से भेजा। सास ने रोने धोने की अपशकुन के डर से यह कह पीहर भेज दिया कि वह बहुत दिनों से गई नहीं। घर पर भी माता का कटु व्यवहार देखकर वह बिना पानी पिए ही वापस लौट आए। उसने अपने पिता की मृत्यु का दुख पति के सम्मुख प्रकट किया। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको अच्छे से इसका स्टोरी बताती हूँ कि क्या हुआ था। तो जो भक्तिन होता है उनका जन्म होता है झूसी गाँव में, वो अहिर कि मतलब अहिर जाति में पैदा होती हैं, इकलौती बेटी होती हैं और फिर उनका जो लालन पालन होता है वो उसकी सौतेली माँ करती हैं, क्योंकि जो भक्तिन की असली माँ होती हैं उनके देहांत हो चुका होता है। जब भक्तिन 5 साल की होती हैं तो उनकी सौतेली माँ ने उनकी शादी कर देती है
उसकी उनकी शादी जो होती है वो हांडिया ग्राम में एक गोपाला के छोटे बेटे से होती है। लेकिन जब भक्तिन जैसे ही 9 वर्ष की होती है तो उनका गौना भेज देते हैं। तो फ्रेंड पहले के ज़माने में आपको पता ही होगा कि बहुत ही छोटे पे ही शादी कर दी जाती थी और गौने में भेज दिया जाता था। और यहाँ तो उसकी सौतेली माँ थी इसलिए उन्होंने बहुत ही जल्दी उनका गौना भी कर दिया था। तो जब भक्तिन अपने ससुराल चली जाती हैं उसके कुछ दिनों बाद उनके पिता की देहांत हो जाती है भक्तिन के। तो फिर जो उनकी सौतेली माँ होती है वो ये खबर उनकी सास को बताती है। तो उनकी सास को जब ये चीज़ पता चलती है तो वो इनको कहती हैं कि तुम अपने मायके नहीं गए, जाओ घूम आओ, ये कह के भेजती है, ना कि ये बता के कि उनके पिता की मृत्यु होती है। तो जब भक्तिन अपने गाँव वापस जाती हैं तो देखते हैं कि जितने भी लोग होते हैं गाँव के वो सब इनको देख रहे होते हैं। तो इनको समझ में नहीं आता कि लोग उनको क्यों देख रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि इनके पिता की देहांत हो चुकी होती है। लेकिन जब वो घर पहुँचती हैं, घर का माहौल देखती हैं तो ये बहुत रोती हैं, बहुत गुस्सा करती हैं। लेकिन इनकी जो सौतेली माँ होती है ये इनके साथ बहुत ही कटु व्यवहार करती है, बहुत ही ख़राब व्यवहार करती है, जिसको इनको बहुत बुरा लगता है। इतना बुरा लगता है कि वहाँ से वो बिना पानी पिए हुए ही वापस चली आती हैं। और अपने घर वापस आने के बाद जितना भी गुस्सा होता है सब अपने पति के ऊपर निकालती हैं, क्योंकि इनको बहुत दुख हुआ होता है कि उनके पिता के देहांत हो गया और उनकी भी माता ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया और उनके ससुराल वालों भी इनको नहीं बताया कि इनके पिता की मृत्यु हो गई है। तो ये सारी चीज़ें हुई थी पहले परिच्छेद में, उनकी शादी ऐसे करवा देना, उसके बाद फिर उनके पिता का आकस्मिक देहांत हो जाना, तो बहुत ही बुरा हुआ था, देखिए पहले परिच्छेद में भी उनके साथ। तो फ्रेंड्स अब हम दूसरा परिच्छेद देखते हैं कि उसमें उनके साथ क्या हुआ था। जीवन का दूसरा परिच्छेद। जीवन के इस भाग में भी भक्तिन को सुख नहीं मिला। जब उसकी लगातार 3 लड़कियां पैदा हुई तो सास व जिठानियों ने उनकी उपेक्षा करनी प्रारंभ कर दी। सास के भी 3 कमाऊ बेटे थे, जिठानिया के भी पुत्र ही थे, अतः जिठानिया मौज करती, उनके लड़के खेलते कूदते, जबकि घर का सारा काम चक्की चलाना, कूटना, खाना बनाना आदि भक्तिन करती। उसकी छोटी छोटी लड़कियां गोबर उठाती, उपले बनाती, खाने के मामले में भी भेद किया जाता। जेठानियां और उनके लड़कों को सफ़ेद राब, दूध व मलाई युक्त भोजन मिलता, किंतु भक्तिन व उसकी लड़कियों को गुड़ की डाल या चने चबाने, बाजरे की घुघरी चबानी पड़ती थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए उनके साथ क्या हुआ था कि यहाँ पे तो पहली बात भेदभाव किया गया लड़की और लड़कों में। जिनके पास लड़कियाँ होती थी उनको कम मान सम्मान पहले दिया जाता था और लड़कों को ज़्यादा, लेकिन अब तो खैर ये चीज़ें बहुत ही कम रह गई हैं, या तो कहें हैं ही नहीं। तो देखते हैं क्या होता है। जीवन के इस भाग में जो हुआ उनको बिल्कुल भी सुख प्राप्त नहीं हुआ। उनकी जो जेठानियाँ थी और उनकी सास थी उनके पुत्र थे तो इसलिए उनका मान सम्मान बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन बेचारी जो भक्ति थी उनकी सिर्फ लगातार 3 बेटियाँ थी, बेटे एक भी नहीं थे, तो सारा काम उनकी 3 बेटियों से ही करवाते और उनसे ही करवाते। उनकी जो जेठानियाँ थी वो मौज करती, उनके जो बेटे थे वो मौज करते, वो अच्छे अच्छे खाना खाते थे, वो रसमलाई खाते थे और खेलते कूदते थे, उनकी माताएं भी मौज करती थी। लेकिन बेचारी भक्तिन की 3 पुत्री होने के कारण भक्तिन को सारा काम करना पड़ता था, गोबर उठाना, उनकी पुत्रियां जो होती थी वो गोबर उठाना पड़ता था, उनको उपले बनाती थी और उनको खाने को भी ढंग का नहीं मिलता था। उनको बेचारी चने और बाजरे की घुघरी जो बहुत ही कड़ा होता है, जो गले के नीचे भी ना जाए, वो सब खाने को पड़ता था। उनको खाने को अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं दी जाती थी। तो फ्रेंड देखिए ये भी बहुत ही गलत हुआ था उनके साथ। इस परिस्थिति में भी अच्छाई यह थी कि उसका पति अपनी परिश्रमी व तेजस्विनी पत्नी को सच्चे मन से प्यार करता था। इस पति प्रेम के आधार पर ही भक्ति ने अपना अलग घर कर लिया। उसके परिवार में पृथक होते समय गाय, भैंस, खेत खलियान, अमराई के पेड़ आदि ठीक ठाक मिल गए। फ्रेंड देखिए इन सब चीज़ों मैंने आपको बताया था कि जो भक्तिन का पति था वो अच्छा था, वो अपनी पत्नी से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा काम करती थी और वो सच्चे मन से था, बहुत सच्चे मन की थी इसलिए बहुत ज़्यादा काम करती। जब वो अपने पति के साथ क्या की, एक बार उन्होंने अपने घर वालों से बोला कि उनको अलग होना है, तो फिर वो अपने पति के भरोसे ही अपना सब कुछ अलग कर लिया, अपना खेत अलग मतलब ले लिया, जो भैंस मिलती थी उनके हिस्से की वो अलग, खेत अलग, और जो आम के पेड़ थे ठीक ठाक ही उनको मिल गए थे, वो अपना अलग रहने लगी। पति पत्नी दोनों परिश्रमी थे, अतः घर की संपन्नता आ गई। पति ने बड़ी लड़की की शादी धूमधाम से कर दी। दोनों छोटी लड़कियां अभी बालिका ही थी, दुर्भाग्य से भक्तिन विधवा हो गई। इस समय स्वयं उसकी उम्र 29 वर्ष की थी। परिवार वालों ने संपत्ति के लालच में भक्तिन के सामने दूसरे विवाह का प्रस्ताव किया, किंतु भक्तिन ने स्पष्ट मना कर दिया। उसने अपने केस कटवा दिए और गुरु के मंत्र लेकर कंठी पहन ली, दोनों छोटी लड़कियों की शादी कर दी और पति की तरह चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बना लिया।
तो फ्रेंड्स देखिए क्या होता है कि जब वो अलग हो जाती हैं तो फिर अपने पति के साथ धीरे धीरे काम करती, दोनों ही परिश्रमी होती हैं, तो अच्छा खासा अपना घर फिर से बसा लेते हैं, संपन्नता घर में आ जाती है। फिर दोनों लोग अपनी, उनकी तीन पुत्रियाँ थी तो उन्होंने बड़ी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से की थी, लेकिन और उनकी जो छोटी पुत्रियाँ थी वो अभी बहुत ज़्यादा ना मतलब बालिक ही थी। तो फिर क्या होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद उन भक्तिन क्या होती है, वो विधवा हो जाती हैं। तो फिर क्या होता है, उनकी उस समय पे उनकी जो उम्र होती है वो 29 साल की होती है, 29 ईयर्स। उसके बाद फिर क्या होता है कि जो उनके ससुराल वाते हैं वो सोचते हैं कि अगर भक्तिन दोबारा शादी कर लेते तो जितनी ज़मीन जायदाद है उनकी वो उन सारे जेठों को उनको मिल जाएगा, लेकिन जो भक्तिन होती है वो ऐसा करने से सख्त मना कर देती हैं और वो क्या करती हैं, अपने बाल मुड़वा लेती हैं। पहले ऐसा होता था, फिर अभी भी होता है कि जिन स्त्रियाँ मतलब जो विधवा होती हैं वो अपने बाल मुड़वा लेती हैं और गुरु मंत्र ले लेती हैं, उसके बाद वो दूसरी शादी नहीं कर सकती हैं। तो उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसके बाद फिर उन्होंने अपनी दो छोटी पुत्रियाँ थी उनकी भी शादी कर ली और उनका जो दामाद था, जो उनके पति ने चुना था बड़ी वाली बेटी के, उसको घर जमाई बना लिया। उसके बाद वो लोग अपने फिर से रहने लगे। तो फ्रेंड्स आज बस इतना ही। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। और इसके आगे की जो हमारा सार है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बाय बाय।